नमस्कार, मैं रंजा सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नजीबाबाद ग्राम मुबारकपुर कलहेड़ी के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कई माह से गंदे नाले का पानी आ रहा है। स्कूल में पानी भरने से पढ़ने वाले बच्चों को आने जाने में हो रही है परेशानी। अध्यापक अध्यापिकाओं को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। बताया जा रहा है कई माह से बस्ती के नाले का गंदा पानी भरा हुआ है, जिसकी अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी पानी की निकासी नहीं की गई है, ना ही कोई स्थायी हल निकाला गया है। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि पानी की निकासी के लिए उन्होंने अधिकारियों को अवगत करा दिया है, कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। समस्या बनी हुई है, छोटे बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बच्चों के बैठकर पढ़ने वाली कुर्सियों और मेज का पुल बनाकर बच्चे आ जा रहे हैं, जिससे बच्चों के साथ दुर्घटना भी हो सकती है। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द ग्रामीणों से बात कर अधूरे नाले का निर्माण कराकर पानी छोड़ने की जगह चिन्हित कर समाधान हो। पानी कई महीनों से भरा होने के कारण बदबूदार हो चुका है, जिससे बीमारी फैलने की भी आशंका बनी हुई है। प्रधानाचार्य व समस्त स्टाफ व बच्चे चाहते हैं कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो। जैसा कि ज्ञात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था को बदलने में लगे हुए हैं और सरकारी स्कूलों को डिजिटल मॉडल स्कूल बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के इस सपने को अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। नजीबाबाद से अल्ताफ राजा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आकाश। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? सिक्स। क्या परेशानी है बताओ? अंकल, पानी की परेशानी बहुत होती है। यहाँ पानी भरने को भी बाहर जाना पड़ता है जी। और यहाँ बच्चे गिर जाते हैं। गंदगी बहुत हो रही है यहाँ। कब से भरा है पानी? 19 जुलाई। क्या चाहते हैं आप? ये पानी यहाँ से निकल जाए। आपको परेशानी होती है? सब बच्चों को परेशानी होती है आने में पानी में। चलिए जी। सर आपका नाम? मनोज कुमार, प्रधानाध्यापक। यहाँ प्रधानाचार्य हैं आप? जी जी। मुबारकपुर के स्कूल में जी। कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं आपके स्कूल? 160 बच्चे पंजीकृत हैं। अच्छा, पंजीकृत है। कब से पानी भरा है आपकी समस्या? यहाँ 19 जुलाई से पहली बारिश पड़ी थी, तब से यहाँ पानी लगातार भरा हुआ जी। और बस पानी में हम आने जाने की बहुत समस्या है। हमने यहाँ बच्चे को आने जाने के लिए बेंच डाल रखी है, बेंच से निकल कर जा रहे हैं जी, या पानी से निकल कर जाना पड़ता है जी। क्या चाहते हैं? तो पानी ये चाहते हैं कि पानी निकल जाए, ऐसे तो हमारी जो बच्चे बीमार होने की आशंका बनी रहती है वो दूर हो जाएगी और आने जाने की समस्या हो जाएगी। हेलो, आपने इसकी शिकायत की किसी? इसकी शिकायत हमने सब अपने उच्च अधिकारी से कर रखी है। किस किस से की? अपने खंड शिक्षा अधिकारी से कर की है और जो सेक्रेटरी है प्रधान के सचिव उनसे की है और रेडियो साहब को दे रखी है लिखित में। कितने माह से परेशानी है लगभग? ये लगभग 19 जुलाई से पानी भरा हुआ है। महीने लगभग 2 माह से ज़्यादा? जी हाँ, लगभग 2 माह। अभी तक कोई समाधान नहीं? कोई समाधान। क्या कहते हैं अधिकारी, क्या आश्वासन देते हैं? अधिकारी कहते हैं कि हमने उच्च अधिकारी को लिख दिया है, ब्लॉक को लिख दिया है, हमारे खंड हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी तो यही कहते हैं जी। अब ब्लॉक से अभी तक कोई समाधान हुआ नहीं पाया। चलो, आप चाहते हैं जल्द से जल्द समाधान हो। बच्चों में परेशानी हो रही है पढ़ने में। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक आपके? ये 6, 7, 8 तीन सेक्शन है हमारे। तीन सेक्शन। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।